तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं। 2014 मॉडल थार है ये बेसिकली, जैसे कि यहां पे आप बेजिंग देख रहे हो, थार CRDI इसमें इंजन आया था। ये स्कॉर्पियो में भी सेम इंजन आया था, वही इंजन इसमें आता है 2600 CC का, यानी 2.6 लीटर का इसमें इंजन आता है CRDE। और ये दोस्तों जो थार है वो 4x4 में आई थी, यानी कि इसके चारों टायर एक साथ काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, चलने में कैसी है, टायर वगैरह क्या कुछ है इसमें, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है बाहर से, जैसे कि आपको लुक दिख रहा होगा। यहाँ पर सामने की साइड, यहाँ पर इसमें नॉर्मल जो मैक्स गाड़ी आती है महिंद्रा की, वैसे इसमें हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, सिंपल वाली लाइट मिलती है जो कि आपको पिकअप में भी मिल जाएगी और थार में भी मिलेगी, मैक्स में भी मिलेगी। बेसिकली जो महिंद्रा की पुरानी गाड़ियाँ आती थी जैसे कमांडर हो गई, DI हो गई, उन सब में ऐसी ही लाइट आती थी, मतलब इंडिकेटर, टर्निंग इंडिकेटर जो है वो ऐसे ही आते थे। और साइड में भी यहाँ पर एक टर्निंग इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि उन गाड़ियों में बेसिकली आता था। और जो बम्पर है या फिर जो इसकी शेप है बेसिकली बोनेट की, वो भी बिल्कुल मैक्स वाली ही रखी गई है। और यहाँ पर इसका AC का एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं जुगाड़ टाइप बनाया गया है। यहाँ पे दो फैन लगे हुए हैं, कूलिंग फ़ैन, और यहाँ पे जो AC का कंप्रेसर का जो कूलिंग कोयल होती है वो लगी हुई है यहाँ पे। और ये बम्पर मिलता है सिंपल सा, और यहाँ पे थार लिखी हुई एक प्लास्टिक की प्लेट लगी हुई है बेसिकली। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट का लुक है, देखने में काफ़ी प्यारी गाड़ी लगती है। काफ़ी चौड़े चौड़े टायर है, 4x4 है, और यहाँ पे सामने महिंद्रा की बेजिंग मिल जाती है। मैं आपको बोनट खोल के भी दिखाऊंगा कि इसका इंजन कैसा है। अब दोस्तों मैं इसके टायर दिखाता हूँ आपको। तो इसके टायर की जो साइज़ है वो है 235/70R16। तो काफ़ी मोटे मोटे चौड़े टायर हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सामने की साइड देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा चौड़े टायर हैं और काफ़ी मज़बूत टायर हैं। दोस्तों ये सिंपल सी इसकी चाबी आती है और दोनों ही लॉक इसके जो है वो चाबी से खुलते हैं। हालांकि ये जो चाबी होती है ये प्रोग्रामिंग वाली चाबी होती है, यानी कि अगर आप इस चाबी को गुम कर देते हो तो दूसरी चाबी बनवाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करवानी पड़ती है सॉफ्टवेयर से, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट होती है। और इसको, इसका लॉक खोलने के लिए सिंपली इस प्रकार से चाबी से ही खोलना पड़ेगा आपको, मैनुअली कोई भी ऑटोमेटिक वाला फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका लॉक का सिस्टम होगा और शीशे को ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअल हैंडल दिया गया है यहाँ पर, और डोर को बंद करने के लिए यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, और ये लॉक अनलॉक करने के लिए बेसिकली आपको मिल जाता है। तो डोर इतने खास नहीं है, जो पिकअप में डोर आते हैं महिंद्रा की, जो पिकअप आती है, बुलेरो आती थी पहले वाली, उनमें जैसे डोर्स आते हैं वैसे ही इसमें डोर दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको अंदर कुछ दिखाता हूँ कि इसका डैशबोर्ड वगैरह कैसा है। तो जो मैक्स गाड़ी में स्टेयरिंग आता है, स्टेयरिंग व्हील आता है, सेम वैसा ही स्टेयरिंग व्हील इसमें दिया गया है। और यहाँ पे आपको 4 AC के वेंट मिल जाते हैं इसमें, यहाँ पे 1-2 यहाँ पे सेंटर में है और 2 बाहर की साइड में है, और नीचे का कोई सिस्टम इसमें नहीं रहने वाला। ये क्लिच ब्रेक और एक्सीलेटर हो गया, और यहाँ से बोनट खोलने के लिए एक हुक दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें इनबिल्ट स्टीरियो वगैरह कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे हेडलाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए एक बटन दिया गया है सिंपली, और यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है कि अगर आप एक्स्ट्रा बटन वगैरह लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। और ये अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको एक सॉकेट मिल जाता है। और ये AC का हो गया, जैसे बुलेरो में AC का कंट्रोल आता है बिल्कुल वैसा ही है, 3 यहाँ से ऑन होती है इस प्रकार से, और इस प्रकार फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये हो गया अपना बेसिकली हीटर का, और यहाँ पे पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है, और ये ग्लोव बॉक्स हो गया, इसमें आप कुछ सामान वगैरह रख के बंद कर सकते हो। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर एक और भी मिलेगी, ये चीज़ है, ये इस साइड भी है और उस साइड भी है। तो इसका बेसिकली यूज़ ये हो सकता है कि इसमें या तो सिगरेट वगैरह जो पीते हैं वो इसको एस्ट्रे की जगह पे काम ले सकते हैं, या फिर कोई नट बोल्ट एक्स्ट्रा हो तो उसको इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, मतलब ये जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी मज़बूत है। ये शायद मैक्स में आया था या फिर कैंपर में ये वाला डैशबोर्ड आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं है, इस वजह से काफ़ी सिंपल दिया गया है। अब आपको मैं इसका मीटर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा मैनुअली सुई वाला, और 160 तक की स्पीड है। मैं आपको चाबी लगा के दिखाता हूँ एक बारी, और यहाँ पे आपको डिजिटल किलोमीटर वाला मिलेगा कि कितने किलोमीटर ये चली हुई है। तो यहाँ पे आपको डिजिटली देखने को मिल जाता है, मैं आवाज़ कम कर देता हूँ। और ये ट्रिप का हो गया अपना, और ये RPM वाला मीटर हो गया, और इधर है इसमें टेम्परेचर का मीटर। सीट की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सीट आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है, नीचे एडजस्ट करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। स्टेयरिंग भी ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होता था इसमें। और ये इसका गियर का लीवर है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 5-speed मैनुअल, यहाँ पे रिवर्स जैसे कि गियर आता है वैसा ही गियर है, और ये हैंड ब्रेक हो गया। अंदर से देखने में
ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी महंगी गाड़ी होगी। और ये यहाँ पे 4x4 का लीवर दिया गया है, तो ये यहाँ पे 4x4 का लीवर दिया गया है। इसमें भी चार फंक्शन आते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक टू हाई पे होता है, और एक टू लो पे होता है, और एक फोर हाई पे होता है। तो ये आपको फंक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सीट बेल्ट के लिए, तो दोनों सीटें आगे की कुछ ऐसी ही रहने वाली है। लेफ्ट वाली डोर जो है वो भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आपको ORVM मिल जाता है मैनुअल एडजस्ट के साथ, इसमें नाइट विजन का कुछ भी नहीं है। और ये सब है, और ऊपर की कुछ इस प्रकार की है, बीच में आपको एक लाइट मिल जाएगी। अब मैं आपको पीछे की सीट दिखाता हूँ। तो दोस्तों पीछे इसमें कपड़े का हुड आता है जैसा कि जीप में आता था, तो यहाँ पे चैन लगी हुई है दोनों साइड, तो इसको आप मॉडिफाई करवा सकते हो। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि थार को मॉडिफाई ज़्यादा करवाते हैं, यहाँ पे या तो फाइबर का लगवा लेते हैं या फिर लोहे का लगवा के इसको मॉडिफाई करवा लेते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा ठंडी हो पाती है और अच्छी भी लगती है। क्योंकि जब ये चलती है तो इसमें आवाज़ आती है फटफड़ की, और साथ में ये ठंडी भी नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपरली इसमें जो है हवा रुकती नहीं है। तो यहाँ से इस प्रकार इसको खोल सकते हैं बोरी वगैरह डालनी हो तो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेपनी अगर लगानी हो तो लगा सकते हैं। पीछे की लाइट भी जैसी महिंद्रा में आती थी बिल्कुल वैसी ही दी गई है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, और ये चढ़ने के लिए हो गया। अब दोस्तों ये वाली जो सीट है, वैसे ये 7-सीटर गाड़ी होती है, मैं आपको बता दूँ, मैं इसके अंदर चढ़ता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो है वो 7-सीटर गाड़ी आती है, दो बंदे आगे बैठ सकते हैं और चार चार बंदे पीछे बैठ सकते हैं। वैसे अगर बैठना चाहो तो वैसे तीन तीन बंदों के लिए है, यानी कि तीन इस साइड तीन इस साइड, तीन तीन छः सात आठ, आठ बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इन सीटों को इस प्रकार फोल्ड भी किया जा सकता है अगर बोरी वगैरह डालने हो तो, यानी कि ये एक मल्टीपर्पज़ कार की तरह है बिल्कुल, कि इसमें आप सामान भी डाल सकते हो और इसका कार की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार की। अब मैं आपको इसका बोनट खोल के इसका इंजन दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ मैकेनिक्स का मानना है कि इसका जो इंजन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस में कि इसमें जो आगे स्पेस है वो बहुत कम है, तो इसका इंजन जब खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ। तो ये इसका बोनट खोलने के लिए हुक मिलते हैं, जैसे कि महिंद्रा की गाड़ियों में पहले के ज़माने में मिलते थे, और साथ में अंदर लॉक भी है, तो लॉक मैंने खोल दिया था पहले ही। तो ये इस प्रकार का स्कॉर्पियो वाला इंजन है दोस्तों इसमें। तो अभी तो काफ़ी गर्म हो रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे CRD की बैजिंग मिल जाती है, और ये वैसे साउंड प्रूफ के लिए और कूलिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कुछ इस प्रकार का इसका इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बैटरी हो गई, और यहाँ पे AC की वायरिंग वगैरह कर रखी है। तो इंजन के आसपास स्पेस ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर हम इसको खुलवाना चाहें मैकेनिक से तो इसमें स्पेस की कमी रहती है, तो खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मैकेनिक को। बाकी बुलेरो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इसके कंपेरिजन में। और बोनेट काफ़ी ज़्यादा भारी है गाइज, अगर आप इसके ऊपर चढ़कर डांस भी कर लेते हो तब भी कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसका साउंड है, और फिर इसके बाद इसका 4x4 भी आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस भी साइड अंदर आ जा। कर दी कर दी। हाँ कोई कोई, मैं काट दिया। तो फ्रेंड्स मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्यूल का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, और इसको मैं सिंपली कर देता हूँ अभी स्टार्ट। तो दोस्तों अभी ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल कच्चे खेत में खड़ी है, हम इसको 4x4 टेस्ट करने के लिए लेके आए थे। तो इन गियर के बारे में तो बताने वाली कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि ये तो सिंपली 1, 2, 3, 4 जैसे और गाड़ियों में डलते हैं वैसे ही डलते हैं। लेकिन ये वाला जो गियर लीवर है इसमें कुछ बताने वाला है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको सबसे आगे रखते हो, जैसे ये यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल का मतलब है ये इसका कि अभी कोई यूज़ नहीं है। इसको थोड़ा सा जैसे ही आगे करते हो तो ये 4 हाई डल जाता है, मतलब चारों टायर चलेंगे लेकिन हाई स्पीड में, यानी कि अगर थोड़ी बहुत दबाव महसूस कर रही गाड़ी उस टाइम इसको डाल सकते हो। और यहाँ पर ये 2H यानी कि पीछे वाले 2 टायर घूमेंगे बिल्कुल पावर में। और यहाँ पर अगर इसको ऐसे करके इस साइड बैक कर देते हो तो ये 4 लो हो जाता है, मतलब कि अगर गाड़ी को आप कितनी भी बुरी सिचुएशन से इस टाइम पे निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको न्यूट्रल करके यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। तो ये दोस्तों इसके टायर और पावर इतना ज़्यादा है कि ये छोटे मोटे रास्तों को तो कुछ समझती नहीं है। जैसे कि आप बाहर देख रहे हो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, खेत है, और यहाँ पे कोई भी अगर गाड़ी दूसरी लेके आते हैं तो आराम से धस सकती है। लेकिन ये आराम से चल रही है फर्स्ट गियर में, दूसरे में भी आराम से चल रही है। मैं दूसरा गियर डाल के दिखाता हूँ आपको,
तो ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा दबाव महसूस कर रही है लेकिन फिर भी धसती नहीं है अभी भी। तो इस तरह से इसका 4x4 गियर डलता है। तो दोस्तों ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी थार की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछते हैं मुझसे कमेंट करके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।